कि आज हम लोग जा रहे हैं 15 अगस्त के लिए वीडियो शूट करने के लिए। और ये चेक करो गाइस, हमारे सारे जो फ्रेंड है वो अभी आ चुके हैं यहाँ पे अपने अपने बाइक को लेकर। तो रोहित थोड़ा सा वीडियो का ट्राई कर रहा था कि तो ये आप आफ्टर शूटिंग का जो क्लिप्स है वो थोड़ा सा देख लो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं 15 अगस्त के लिए वीडियो शूट करने के लिए, जिसके लिए हमने अपना सारा जो फ्रेंड है उसको बुला लिया है और इसके साथ हमारे और बहुत सारे और भी फ्रेंड हैं जो कि सीधा लोकेशन पर ही पहुँचेंगे। तो उन्होंने कॉल कर दिया है कि वो लोग आ रहे हैं उधर से, तो हम लोग भी यहाँ से जल्दी जल्दी से अपना जो है सारा सामान पैक करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस, यहाँ से अभी मैं रेडी हो चुका हूँ पूरी तरह से यहाँ से निकलने के लिए। तो सबसे पहले मैं फ़ोन अपने जेब में रख लेता हूँ और इसके साथ मैं अपना लाइट भी ऑफ़ कर देता हूँ क्योंकि लाइट ऑन नहीं छोड़ना है क्योंकि फालतू का बिजली बिल आता है। तो अभी मैं अपना गेट बंद कर देता हूँ क्योंकि घर पर तो कोई है नहीं। तो अभी देखो ये सब भी रेडी हो चुका है और तो चलो हम लोग सर निकलते हैं यहाँ से तुरंत। तो गाइस, बारिश होने की वजह से हमारा जो मेन रास्ता था वो बंद हो चुका है, तो हमें घर के साइड से निकलना पड़ रहा है। काफ़ी मुश्किल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे जो मोटर का पाइप लगा हुआ है तो इसके नीचे से होकर हमें एक दूसरे के घर के बीच से हमें जाना पड़ रहा है। दूसरे के नहीं, मेरे पड़ोसी है और यहाँ पे रास्ता भी जाने लायक ठीक ठाक था तो हम लोग यहाँ ही से निकल चलते हैं। मनेरो से भीड़ है, मनेर से हमें कितना टाइम लगता है? मनेर से तू अगर सीधा अगर कंटिन्यू आएगा ना तो 15 मिनट में चला आएगा। हाँ, ब्लॉगिंग करते हैं, नया स्टार्ट किया है। लाइक सब्सक्राइब फॉलो नंबर गायब करें यार, देखा? अरे कोई दिक्कत नहीं, चलना उन्हें कुछ नंबर उमर ना लगे। गाइस, ये बहुत डर रहा था क्योंकि इसको लग रहा था कि उधर चेकिंग होगा तो पुलिस वुलिस का कोई झंझट ना हो, लेकिन इसको पता नहीं कि उधर कोई पुलिस वगैरह नहीं रहता है, उधर कोई भी झंझट नहीं है। हम काफ़ी उधर फ्री होकर वीडियो शूट करते हैं इसलिए हम वहां पे दोबारा से उसी लोकेशन पे जा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग फटाफट निकलते हैं। रुक रुक रुक, कट्टू कट्टू स्कूटिया पर तो लगा है, देखो भुइयां पर गई है। तो फाइनली गाइस, हम लोग यहाँ से अभी निकल रहे हैं फटाफट क्योंकि आज का मौसम काफ़ी अच्छा है क्योंकि धूप बिल्कुल भी आज नहीं निकला हुआ है और बारिश होने का तो कोई नामो निशान नहीं है, इसलिए हम लोग फटाफट आज जा रहे हैं वीडियो शूट करने में क्योंकि परसों ही 15 अगस्त है और हम आज है 13 अगस्त को। तो हम फटाफट निकलते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं अपने लोकेशन वाले रोड पे। ये रोड का नाम है सनमीरा रोड और रास्ते में हमारा एक और फ्रेंड भी हमको मिल गया था। और ये चेक करो गाइस, इसका मीटर तो काम ही नहीं कर रहा है। और फाइनली हम अपने लोकेशन में पहुंच गए हैं और पहुंचने के बाद हमें पता चलता है कि जो हमारे फ्रेंड अभी आने वाले थे वो अभी आए ही नहीं है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे उनके आने का। डेली के रूटीन पूरा करे जा रहा है। सो गाइस, हमारे फ्रेंड अभी तक यहाँ आए नहीं थे तो रोहित थोड़ा सा वीडियो का ट्राई कर रहा था क्योंकि काफ़ी दिन बाद ये भी बाइक निकाल रहा है। और हम लोगों ने सोचा कि जब तक वो लोग आ नहीं जाते तब तक हम अपना जो है रील अपना कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि वो लोग आने के बाद हमें क्या पता टाइम मिले या ना मिले। तो इसलिए मैं अपना गिम्बल और कैमरा जल्दी से असेंबल करके निकल चलता हूँ रील शूट करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल सबसे पहले रोहित अपना रील शूट करेगा, तो ये आप आफ्टर शूटिंग का जो क्लिप्स है वो थोड़ा सा आप देख लो, फिर इसके बाद मैं आपको जो परफेक्ट रील जो बन जाएगा मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। सो गाइस, हमने अपना पहला जो रील था वो कंप्लीट कर लिया है क्योंकि और हम अभी कैमरे को रख रहे हैं क्योंकि हमारे जो फ्रेंड है वो आ चुके हैं अपने सारे बाइक्स को लेकर। तो चलिए मैं आपको सबसे आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। सुबह सभी हम लोग आ चुके हैं अपने लोकेशन से और ये चेक करो गाइस, हमारे सारे जो फ्रेंड है वो अभी आ चुके हैं यहाँ पे अपने अपने बाइक को लेकर। हमारे जितने फ्रेंड से सब लोग अपने अपने बाइक लेके आ गए हैं। ये फर्स्ट में दो MT15 R15 V3 3 है और एक RS 200 है। चलो मैं आपको करीब से एक बार दिखा देता हूँ।
स्टार्ट। तो गाइस हम लोग जल्दी जल्दी से अपना है वीडियो शूटिंग करना मतलब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो चुका था, इनको भी आए हुए और ये लोग भी बोल रहे थे कि हमें जो है तुरंत निकलना भी है, क्योंकि काफ़ी दूर से ये लोग ट्रैवल करके आए थे। तो हम लोग अपना जो है वीडियो शूट करना स्टार्ट कर देते हैं, और इसके बाद मैं आपको जितने भी रील्स है मतलब 2-3 रील्स जितने भी हमने बनाए हैं वो सब आपको मैं दिखाऊंगा। अभी आप इसका आफ्टर शूटिंग का जो क्लिप्स है वो आप थोड़ा सा देख लो। सो गाइस आज का हमारा जो पूरा शूटिंग है वो कंप्लीट हो चुका है, तो फटाफट से मैं आपको आज का जितने भी रील्स है वो दिखा देता हूँ। सो गाइस आपको ये रील कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बता देना। और हमारा पैकअप हो चुका है, मतलब आज का जितना भी शूटिंग था वो कंप्लीट हो चुका है, और हम लोग यहाँ से अब निकलेंगे घर की ओर। लेकिन गाइस ये लोग घर से जाने से पहले एक और रील्स थोड़ा सा शूट करना चाहते हैं, रील्स नहीं स्टोरी शूट करना चाहते हैं, जिसके लिए हम 5 किलोमीटर आगे और जाएंगे। तो गाइस अभी हम अपने फाइनल लोकेशन में पहुंच चुके हैं, और यहां पे हम एक स्टोरी शूट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने स्टोरी शूट कर लेते हैं एक 360 में। तो ये स्टोरी गाइस शूट कर ले रहा हूँ, क्योंकि सबको मेंशन भी करना होगा, क्योंकि लोग इतने दूर से आए हैं तो इनको एक स्टोरी तो दे ही सकते हैं। और एक और हम स्टोरी शूट कर लेते हैं 15 अगस्त के लिए, और ये भी हम 360 में ही शूट करेंगे। और इसके बाद अब हम निकलेंगे घर जाने के लिए, काफ़ी देर हो चुका है। तो फाइनली गाइस आज का जो हमारा शूट था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम अपने घर के लिए निकल चुके हैं अभी, और ये हमारे घर का बजरंगबली का काफ़ी बड़ा मूर्ति है जो कि उसरी में पड़ता है। तो यहाँ से हम रोहित से कैमरे का जो बैग ले लेते हैं, और हम और राहुल निकल चलते हैं घर की ओर। तो आई होप आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाना गाइस।